नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टी छाला यूट्यूब चैनल। देखियो साथियों, आज लाइव अभी आए थे लेकिन यार थोड़ा नेट की प्रॉब्लम के कारण बिल्कुल बीच में छूट गया लाइव हमारा। यार क्वेश्चन आपके रह गए हैं, जो सोचा था भाई, जो टारगेट लेके मैं आज आया था लाइव तो नहीं बन पाया है, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और एक बार बता दूँ आपको कि जो क्वेश्चन है हमारे अच्छे आ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पहले एग्जाम होते थे हमारे बच्चे टारगेट नहीं लेते थे, ओनली टाइपिंग का टारगेट लेते थे, वो पढ़ते ही नहीं थे। कुछ कुछ क्वेश्चन देखा करते हैं, इनको उनका टारगेट था 10 या 12 15 13 नंबर लेना ज़्यादा। लेकिन अब की बार जो टारगेट है बिल्कुल उठा रखा बच्चों ने, 18 से 23 के बीच। और आज तो भाई हाईएस्ट आपको बता दें 29 मार्च तक चले गए हैं बच्चे हमारे, और 28, 27, 23, 24 और बहुत से मार्क्स आ रहे हैं। 18 सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, लकी नंबर 18 आप लोगों के लिए भी, शायद आपके भी क्या 18 हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको, टाइपिंग अच्छे से करनी है। लेकिन टाइपिंग में एक बात बता दूँ आपको, बहुत टफ लग रहा है, बहुत से पैराग्राफ टफ आ रहे हैं, कुछ आसान भी आ रहे हैं। आज कुछ पैराग्राफ आपको डाल के दे दूंगा, टेलीग्राम में मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीच छाला वाले में, आफ्टर 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा आज के क्वेश्चन, और जो टाइपिंग नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। और आपको बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी है, उसको देख के टाइप कीजिए, और वहाँ पे टाइप करने के लिए पेज दिया जाएगा, आप पेज में कीबोर्ड में स्क्रीन पे मर्जी है कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। कुछ साथियों के डाउट रह जाता है, फेल हो जाते हैं, आप अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को समझे, आप फेल क्यों होते हो, आप पजल होते हो, जो मैं उत्तर बताता हूँ, मैं बताता हूँ व्यू के अंदर आप जाओगे, नेट पे सर्च करते हो वहाँ मिलेगा इंसर्ट, तो उस कारण आप फेल हो जाते हो भाई। देखो एक बात तो पहली बात, जो अगर आप मेरे YouTube से वीडियो देख रहे हो तो मुझ पर भरोसा करें, अगर दूसरे YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो दूसरे YouTube पे भरोसा करें, ऐसे आप उसके सवाल मुझसे, आप मेरे सवाल दूसरों से करोगे कि सर ये आ रहा है, उस पर कमेंट करते रहते हो, मैं कमेंट देखता हूँ कि वहाँ पे वो बताया जा रहा, आप ये बता रहे हो, मैं बिल्कुल ही कमेंट की तरफ कभी नहीं देखता हूँ, मैं जो बताता हूँ सिर्फ उसी को मैं आपको बता सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तैयारी आपने करनी है और हमें एक टारगेट होना चाहिए, और सिर्फ एक ही हमारा भाई जो मेन, जहाँ से हम फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं वहीं से शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि हम पजल न हो, क्योंकि अलग अलग धारणाएं होती है सबकी, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग पढ़ाने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा YouTube से आप हैं तो मैं ये नहीं कहता कहीं दूसरे YouTube से वीडियो मत देखो, मैं ये कहता हूँ अगर आपने पास होना है मेरी वीडियो छोड़ना मत, बाकी आप कहीं से जितना करोगे उतना भी कम है, ठीक है, आप समझ गए ना मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ तो आपने करने ही करने, बाकी जितना आप याद कर सको कहीं से भी करो, कर सकते हो, सिंपल है, आपका फायदा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, और ठीक है अच्छी टाइपिंग होगी आपकी। और बता दें आपको जो कट ऑफ की बात जा रही है वो बाद में बताएंगे आपको एग्जाम होने के बाद, अब फिलहाल एग्जाम अच्छे हो रहे हैं, और जो पेड PDF है वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से अच्छे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।